की रसोई ह्यूमन की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हेमंत। दोस्तों आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल छोला मसाला। छोले मसाले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसे हमें घर में कैसे बनाना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम छोले लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से धोने के बाद रात भर के लिए सोक कर दिया था। आप जब भी इन्हें बनाएं कम से कम 8 घंटे के लिए इन्हें सोक करें। अब इन्हें हमें प्रेशर कुक करना है। इसके लिए इन्हें अब हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। जिस पानी में इन्हें हमने सोक किया था उसे हम अलग कर देंगे और फ्रेश पानी में इन्हें बॉइल करेंगे। इन्हें हमने प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें अब हम पानी केवल इनके लेवल तक लेंगे क्योंकि ये पहले से सोक्ड हैं तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। इनमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची जिन्हें हमने खोल लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। लास्ट में इसमें पानी रखकर हम इसे 3 से 4 विसल आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे। जब तक छोले बॉइल हो रहे हैं हम यहाँ पर उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। सबसे पहले इसमें हम जीरा डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा तिड़क जाएगा इसमें हम 1/2 टेबल स्पून हींग डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो पर रखा हुआ है। साथ में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें थोड़े सेकेंड पका लेना है। कुछ सेकंड अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद इसमें हम 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डालेंगे। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ में हम 2 प्याज जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया वो डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और प्याज को लगातार चम्मच चलाते हुए लाइट ब्राउन कर भून लेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसमें हम 2 टमाटर जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया वो डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर हमारे जल्दी पक जाएं। टमाटर को भी हमें अच्छे से पका लेना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। अभी छोले यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इनकी स्टीम को हमने ऑटोमेटिकली रिलीज होने दिया है। अब इसमें से हम खड़े मसाले निकाल लेंगे क्योंकि खड़े मसालों का सारा एक्सट्रैक्ट इसमें आ चुका है और छोलों को हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करके हम पानी फेंकेंगे नहीं, उस पानी को हम रख लेंगे ताकि हम उसे ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकें। इस ढंग से हमने छोले स्ट्रेन कर लिए हैं और इनका सारा पानी हमने रख लिया है। अभी टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम कुछ पिसे मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और लास्ट में 1/2 टीस्पून छोले मसाला। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। एक मिनट मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम वो पानी डालेंगे जो हमने स्ट्रेन करके साइड में रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर इसे आपको राइस के साथ सर्व करना है तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखिए। अगर आप रोटी या नान के साथ खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखिए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, साथ में बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से चम्मच चला दीजिए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून मलाई डालेंगे। आप यहां पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दूध के ऊपर पड़ने वाली मलाई का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बार अच्छे से चम्मच चला दीजिए।
अब इसे हम लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। छोलों को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम आधी टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर हमेशा लास्ट में ही डालिए और साथ में कुछ अदरक के लच्छे डालेंगे। एक बार अच्छे से चम्मच चला दीजिए। अब लास्ट में हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। तो दोस्तों यहां पर रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला बनकर कंप्लीट होता है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार छोले मसाला अपने घर में जरूर ट्राई करिए। आपको ये रेस्टोरेंट से अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है घर में छोले मसाला बनाना। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके एक बार अपने घर में रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला जरूर ट्राई करिएगा। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट देना मत भूलिएगा।